फिल्म बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि फिल्म से जुड़े हुए मेरे बहुत पुरानी यादें हैं। जब मैं 10 साल का था तब मेरी पूरी फैमिली इसी इराक के हमले में फंसी हुई थी, और उन्होंने कैसे वहाँ से निकले हुए हैं, वो जॉर्डन से आए, अकबरी शिप में आए, इसीलिए फिल्म मेरे दिल से बहुत करीब है। मेरे आई लॉस्ट माई डैड, मतलब मैं मेरे डैड के साथ में बहुत सारे लोगों को हमने लॉस्ट किया वहाँ पे, और किस तरह से रंजीत कटियाल ने कि इंडियन होते हुए 170,000 भारतीयों को निकाला। इट्स अमेजिंग मूवी। इस फिल्म की बात करें तो कैसी लगी परफॉर्मेंस आपको? परफॉर्मेंस अक्षय की वैसे भी हॉलीडे बेबी अगर इस स्टाइल में देखें तो अक्षय कुमार ने बहुत ही लवली काम किया है इसमें, बट एक तरह से ये इसने बताया है कि व्हाट इज़ अ रियल इंडियन। अगर आप रियल इंडियन हैं और दिल में कुछ है आपके पास में तो आप ज़रूर देखिए मूवी को, और बहुत ही अच्छा काम किया है। शूट लोकेशन बहुत अच्छा है, इन्होंने कुछ रियल लोकेशन लिए हैं कुवैत के, क्योंकि मैं कुवैत में रह चुका हूँ, मैं कुवैत जा चुका हूँ और ये पूरा पोजीशन देख चुका हूँ। क्या लगता है स्टोरी लाइन जो है पकड़ के रखी हुई ऑडियंस को? यस ऑफकोर्स, स्टोरी लाइन रोंगटे खड़े कर दिए, इमोशनली कर दिया है, मेरे आंसू भी निकल आए थे। कुछ सीन ऐसे हैं जो देखने के बाद में लगा कि रियल इराकियों ने कैसे हमला किया था और इंडिया अपना इंडियन को किस तरह से सर्वाइव किया। खाने की प्रॉब्लम हुई, आने जाने की प्रॉब्लम हुई, व्हीकल्स की प्रॉब्लम हुई, इस कारण लोगों को एक बार देखना ज़रूरी है, क्योंकि क्या मुसीबत आई थी उन लोगों पे। 5 में से कितना स्टार देना चाहेंगे? 4.5 स्टार दूंगा मैं, हंस के आराम से दूंगा, और आप भी देखिए ये मूवी, ज़रूर देखिए।